तो लगभग करीब रात के 2:30 बज चुके हैं, तो देखते हैं 5 बजे तक कितना वीडियो क्रिएट होता है। दो तीन तो करके रखा है, डे बाय डे अपलोड करेंगे। तो ये भी एक बना रहा हूँ, और भी पेंडिंग बहुत सारा आज बोर्ड है, 20 से ज़्यादा डेस्कटॉप का बोर्ड है। लैपटॉप तो लेके बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, तो डेस्कटॉप को लगे हाथ जितने हो सके कर दूँ, और जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, नया नया कुछ लगे, उनमें से कुछ कुछ वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा केस स्टडी होने वाला है। तो देखो, ये एक एचपी का ब्रांडेड मदरबोर्ड है जो एएमडी का है, और ये क्या है इसका मॉडल नंबर, ये इसका मॉडल नंबर से कुछ आता जाता नहीं है। तो देखो, फिर भी मिलेगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, मैं दिख रहा था। तो ये आयरस रिविजन 1.0, तो देख सकते हो ये है एक बोर्ड जो कि रैम का सप्लाई इस बोर्ड में मिसिंग है। तो पिछले बहुत पहले मैंने एक वीडियो में एसपीडी बीडीडी का एक वीडियो बनाया था, जो कि गीगाबाइट का मे बी एएमडी सीरीज का 41 या फिर 31 का मदरबोर्ड होगा। तो उस बोर्ड में मैंने बाईपास करके दिखाया था कि अगर आपको रैम स्लॉट में एसपीडी बीडीडी मतलब बीडीडी एसपीडी वोल्टेज, जो कि DDR3 में आपको आता है, मतलब ये टोटल जो होता है 240 पिंस होता है ये रैम स्लॉट में, और एसपीडी बीडीडी जो मिसिंग, ज़्यादातर ये ही मिसिंग होता है रैम स्लॉट में, और भी कुछ कुछ मिसिंग होता है, सप्लाई होता है, मतलब जो कि पिछले वीडियो में दिखाया मैंने कि रैम हीट हो रहा था, जो रैम का सप्लाई ओवर हीट, मतलब रैम का सप्लाई ओवर हो रहा था, तो ऐसा कुछ आता है। तो एसपीडी बीडीडी जो है ये आपको मिल जाएगा 236 नंबर पिन पे, DDR3 में ये 236 नंबर पिन पे आता है। तो मैंने भी बेसिकली इस बोर्ड में जो देखा, आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले देख लो थोड़ा। ये बोर्ड अभी ऑन किया तो डिबग कार्ड देख के कुछ पता नहीं चलेगा, इस डिबग कार्ड में तो कोड जनरेट नहीं होगा, तो फिर भी हो भी सकता है। तो देखो, सीपीयू का हम कोड सप्लाई डालते हैं और बोर्ड को हम टिगर देते हैं। तो ये देखो, तो ये जो ये FF कोड के साथ है, तो ये कंटिन्यूअसली रैम देखो अभी लगाया हुआ है बोर्ड में, तो कंटिन्यूअसली ये रैम का एरर आ रहा है। तो ऐसी केस में अगर आपका रैम का एरर आ रहा है, ये जो ब्रांडेड बोर्ड में अभी हम बात कर रहे हैं, तो ब्रांडेड बोर्ड में ही होगा, तो अदरवाइज हर बोर्ड में एक ही काम करेगा पर सीक्वेंस अलग अलग हो जाएगा। पहले भी मैंने बताया पिछले वीडियो में, क्योंकि सीक्वेंस अभी जो इस बोर्ड में क्या है, मैं बाईपास करके आपको नहीं दिखाऊंगा कि एसपीडी बीडीडी वोल्टेज को कैसे बाईपास करके 3.3 वोल्ट वहां पर डालने से आपका बोर्ड रैम स्लॉट काम करता है। तो वो वीडियो तो है, किसी को देखना है तो चैनल पे जाके देख लो, और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो और इस बोर्ड में हम देखेंगे कि एसपीडी बीडीडी जो सप्लाई है वो कहाँ से जेनरेट होता है और कौन सा कंपोनेंट के थ्रू वो जाता है। हालांकि इसका सिमेटिक मेरे पास नहीं है, फिर भी मैंने ये करीब 10-15 मिनट से मैंने ट्रेस आउट किया, उसके बाद मुझे वो कंपोनेंट मिला। तो अभी मैं भी दिखाता हूँ वो कौन सा कंपोनेंट है, और उससे पहले हम स्लॉट पे एक बार चेक करके दिखा देंगे कि भाई वोल्टेज सच में क्या है या नहीं। तो देखो, अभी जो रैम है ये इसी रैम ऐसे ही लगा के रखता हूँ और डिस्प्ले इसी रैम पे आएगा, तो रैम सही है। इसका मेरा कहने का मतलब ये रैम जो है सही है। ठीक है, तो अभी देखो ये कंटिन्यूअसली बीप कर रहा है, ये है इसका बजर, ये देखो ये है इसका बजर। तो ये रैम का एरर है, जो भी देखेगा उसे पता चलेगा, क्योंकि हाई रिसेट नहीं है, रिसेट लो के साथ बीप है, मतलब रैम का ही है ये एरर। तो ये बंद कर देता हूँ थोड़ा सा, और मैं मल्टीमीटर को सेट कर लूँगा, नहीं तो आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो DC20 पे ऐसे रखेंगे मल्टीमीटर को, और आपको चेक करना है इसका स्लॉट। तो एक पिन जो है ब्लैक प्रॉप को आप कहीं पर भी ग्राउंड कर दो, तो मैं कर देता हूँ, तो इधर पे मैंने ग्राउंड कर दिया ब्लैक प्रॉप को। मेरा जो मल्टीमीटर का प्रोब का नीड है, नीडल जो है ये टूट चुका है आज ही वीडियो बनाते बनाते, इससे पहले जो वीडियो बना रहा था उस पर ही टूट गया है, तो ये नया नया निकालना पड़ेगा, तो अभी भी टाइम नहीं मिला नया निकालने का। तो देखो, ये बोर्ड मैंने ऑन कर दिया, और ठीक से फॉलो करो, आपको अभी तीनों साइड पे फॉलो करना है, मल्टीमीटर, रैम स्लॉट, डिबग कार्ड। तो पास से मैं दिखा नहीं पाऊंगा ज़्यादा, तो फॉलो करो, आपको बस गाइडलाइंस दे रहा हूँ मैं कि कैसे करोगे, और बस चेक करके दिखा रहा हूँ, पिंस बता रहा हूँ, आपको काउंट कर लेना है, आपको खुद करना है अगर ऐसा हुआ तो। तो देखो, ये जो बीप कर रहा है, तो ये आपको मिलेगा 236, मतलब
यहाँ पर टोटल जो पिन होता है 240 पिन होता है, तो इस रैम स्लॉट में 240 पिन इस साइड में रहेगा, पास पे चले जाते हैं। तो 240 इस साइड का लास्ट पिन जो है ये सेकेंड इस स्लॉट में मैं दिखा रहा हूँ, तो लास्ट पिन में 240 है। तो 240 से पहले जो आएगा 236, मतलब 4 पिन पहले हमें देखना है। ये देखो 4 पिन पहले मैंने लगाया, यहाँ पर वोल्टेज क्या है 0, यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट चाहिए, तो ये वोल्टेज मिसिंग है। तो ये दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये वोल्टेज अगर जब तक यहाँ पर 3.3 नहीं आएगा तब तक ये रैम का इरर आएगा। जो भी आप रैम चेंज करो, स्लॉट क्लीन करो, मतलब पेट्रोल डालो, थिनर डालो, आपका काम नहीं बनेगा। पर आपको जानना है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से हो रहा है। अगर आपको पता चल गया तो आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और लेट हो जाएगा। तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ, दो तरह से आप ये काम कर सकते हो। पहले एक बार ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा बोर्ड को। तो ये जो 236 नंबर पिन यहाँ पर है, ये 4 पिन छोड़ने के बाद एक पिन आएगा लास्ट से, दिखेगा मतलब इधर से दिखाता हूँ। तो इधर से होगा ये वाला पिन, ये 236 नंबर पिन, ये वाला, ठीक है, सॉरी काउंट में भूल हो रहा है, नहीं सॉरी ये वाला। तो ये वाला दिख रहा है ट्विजर, हाँ ये वाला जो पिन है, यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट चाहिए जो मिल नहीं रहा है। अब क्या करोगे, मल्टीमीटर को, दो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, जो अच्छा लगे वो करो। मल्टीमीटर को अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही जम्पर करना पड़ेगा। और आपने अगर ढूंढ लिया वो कंपोनेंट कहाँ पर है, क्योंकि हर बोर्ड में अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। अगर सिमेटिक नहीं है तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, अगर सिमेटिक है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कहाँ से जा रहा है। तो ये एक फ्यूज़ है, जो फ्यूज़ ख़राब होने की वजह से ऐसा होता है। तो वो फ्यूज़ आपको बिना सिमेटिक के आप ढूंढ नहीं पाओगे इजीली, हालांकि रैम स्लॉट के आसपास ही होता है, पर कुछ कुछ बोर्ड में आप ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि अलग अलग जगह पे असाइन किया हुआ होता है, असाइन किया हुआ होता है, ठीक है। तो 236 पिन में यहाँ पर डीसी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे आपको ले लेना है, यहाँ पर बजर मोड पे, और यहाँ पर एक प्रॉप रखना है, मतलब 236 नंबर पिन पे, और पीछे में चले जाना है, सॉरी ये गिर गया है, और पीछे में चले जाना है, और यहाँ पर रैम स्लॉट में देखना है कौन सा पिन में ये बीप कर रहा है, ठीक है। जिस पिन में ये बीप करेगा उसी के साथ आपको एक मतलब जम्पर जोड़ना है। कहाँ से वोल्टेज ले सकते हो आप, मैं बताता हूँ, दो जगह से ले सकते हो, बहुत जगह से हालांकि ले सकते हो। आप आयो से ले सकते हो, आप देख लो 3.3 आयो से, ये साइड से आप आयो से मिल जाएगा। आप चाहो तो ATX से ले सकते हो, यहाँ पर 3.3 मिल जाएगा आपको। तो ये तो हो गया जम्पर मतलब जम्पर क्रिया। तो अभी हम जो करेंगे वो जंपर क्रिया नहीं करेंगे, अभी जो हम दिखाएंगे इस बोर्ड में जो है, मैं थोड़ा सा ढूंढा, मैं चाह रहा था कि मैं ये रैम को यहाँ पर रखता हूँ, मैं चाह रहा था कि इसको मैं बाईपास ना करूँ। तो देखो इस बोर्ड में एक अनोखी जगह पे है वो कंपोनेंट, मतलब फ्यूज़ जो कि ख़राब है या फिर डाइसोल्ड है। तो ये कैमरा जाएगा कि नहीं पता नहीं, हाँ जाएगा, ये वाला जो फ्यूज़ है, यहाँ पर एक फ्यूज़ है, ये या फिर डाइसोल्ड है या फिर ये ख़राब हो चुका है, कट चुका है, जिसके वजह से इसका जो SPDVDD मतलब 3.3 वोल्ट, 3.4 वोल्ट जो मिसिंग हो रहा है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ वो भी चेक करके, क्योंकि मैं चेक करके नहीं दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये पावर दिया, CPU सप्लाई डाला, और मल्टीमीटर भी रेडी चाहिए हमें। तो मल्टीमीटर कैसे रेडी होगा, यहाँ पर तो सारा CPU गिरा हुआ है, तो यहाँ पर सेट कर देता हूँ, और एक को मैं ग्राउंड कर देता हूँ, यहाँ पर ग्राउंड कर देता हूँ ब्लॉक से, ये ग्राउंड कर दिया। अब मल्टीमीटर दिख रहा है ना, अब मैं बोर्ड को एक बार ऑन करूँगा, ठीक है, बोर्ड ऑन कर दिया, देखो बीप जनरेटर चालू हो गया। तो अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आप मल्टीमीटर फॉलो करो। ये जो फ्यूज़ है, इसका फ्यूज़ का इस साइड में मतलब वोल्टेज आ रहा है 0.5806, 0.6917 ऐसा कुछ वोल्टेज है। और इस साइड में हम देखेंगे जो इनपुट साइड है इसका कितना है, 3.4, मतलब 3.4 से भी चलेगा, ये कन्वर्ट होकर 3.3 हो जाता है। तो SPDVDD 3.3, 3.4 वोल्ट, कुछ कुछ बोर्ड में 4 वोल्ट भी जनरेट होता है 3.4 वोल्ट। तो ये 3.4 वोल्ट अगर आप, ये आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बस आपका मतलब सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप कैसे करोगे वो आपके पास है, ठीक है। तो ये मैं अभी प्रैक्टिकली दिखा भी दे रहा हूँ कि इसमें डिस्प्ले आ जाएगा,
और ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर बाईपास करने में, मतलब ये शॉर्ट करके जंपर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो देखो कीबोर्ड एक लगा के रखता हूँ पहले से, और ये जो हमारा बीप है ये अभी मतलब गायब हो जाएगा, और कीबोर्ड यहाँ पर रखता हूँ, कीबोर्ड पे डिस्प्ले आ जाएगा तो इजीली मैं दिखा दे पाऊँगा। तो अभी देखो अभी क्या करना है, बोर्ड जैसा है वैसा ही है, रैम जो था वही है, मुझे बस ये जो फ्यूज़ है इसको शॉर्ट करना है, और आपको भी ऐसे करना है, आपको ये फ्यूज़ को हटाना है, या फिर आप चाहो तो एक बार रिशोल्ड कर सकते हो। आपके पास अगर शोल्डरिंग का मतलब शार्क जैसा निडल मतलब बीट है तो आप यहाँ से बीट इजीली इंसर्ट कर सकते हो। मैं भी बीट चेंज करके कर लूँगा, क्योंकि बहुत शार्क बीट चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए, ज़्यादा मोटा बीट हो जाएगा तो रैम स्लॉट पे लग जाएगा। तो ये देखो अभी ये मैंने शॉर्ट किया और बोर्ड को पावर दे रहा हूँ, और सॉरी दोनों हाथ रख, ये फिर से गुम हो गया, ये दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप टेंशन मत लो। तो देखो ये मैंने शॉर्ट करके रखा है और बोर्ड को अभी हम पावर देंगे, ठीक है। पावर दिया, हुआ नहीं, सॉरी हुआ नहीं, ऑफ करना पड़ेगा, हुआ नहीं ये, एक सेकेंड, दूसरा ट्विजर लेता हूँ, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी देखो ये ट्विजर से मैंने ये शॉर्ट किया, इसका जो फ्यूज़ है जो कि सप्लाई जा रहा था SPDVDD का, जो कि फ्यूज़ का मतलब आउटपुट से मिल नहीं रहा था, इनपुट से था। अभी देखो ये डिस्प्ले दे देगा, अब पै पै नहीं करेगा, ये देखो, और कीबोर्ड फॉलो करो, ये देखो कीबोर्ड पे आ चुका है, ठीक है। कीबोर्ड मैंने यहाँ पर ही रखा था, तो बीप देना बंद हो गया और डिस्प्ले दे दिया। और एक बार मैं थोड़ा सा रिस्टार्ट करूँगा, कीबोर्ड को फॉलो करो, क्योंकि BGA में मैं दिखा नहीं पाऊँगा, तीनों हाथ मतलब दोनों हाथ मेरा बिजी है। तो देखो ये देखो रिस्टार्ट कर दिया, कीबोर्ड पे देखो लाइट चला गया, और अभी आ जाएगा, देखो ये देखो आ गया, मतलब बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है, ये देखो। तो BGA पे देखेंगे तो डिस्प्ले आ गया, अभी देखो छोड़ दूंगा तो पैं पैं करेगा, तो छोड़ दिया, अभी भी डिस्प्ले बोर्ड में है, तो अभी भी है, तो बोर्ड में अभी भी है, तो एक बार रिस्टार्ट करूंगा तो पैं पैं करेगा, देखो ये देखो रिस्टार्ट किया, कीबोर्ड में अब लाइट नहीं है, पैं पैं कर रहा है अभी, ठीक है। तो मतलब रो रहा है, इसको कुछ खाने को देना पड़ेगा, मतलब क्या है, जंपर करना पड़ेगा, इसका खाना है अभी जंपर। तो देखो पैं पैं करेगा और डिस्प्ले नहीं आएगा, फिर से आप एक बार फॉलो करो, मैं ऐसे शॉर्ट करके ऑन करता हूँ, तो और एक बार देख लो, और पास से मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो पावर दिया, और ये जो फ्यूज़ है हमने ये फ्यूज़ को शॉर्ट किया, सॉरी दिखाने के चक्कर में फ्यूज उड़ा ना दूं यहाँ से, ये शॉर्ट किया, टिकर दे रहा हूँ, देखो पै पै नहीं करेगा, और कीबोर्ड फॉलो करो, ये देखो आ गया कीबोर्ड पे लाइन, ठीक है, दिख रहा है इजीली, ये देखो। तो यही है छोटा सा एक मतलब ट्रिक नहीं है ये, मुझे भी ढूंढने में टाइम लगा, इसे ट्रिक नहीं बोलते, ये प्रॉपर सोल्यूशन है, पर आप कैसे करोगे, यहाँ पर बाईपास वो आपके हाथ में है, पर आप ये फ्यूज़ को अगर आप चेंज भी कर सकते हो, किसी भी बोर्ड पे मिल जाएगा इजीली, तो चेंज कर सकते हो, या फिर एक जम्पर वगैरह कर सकते हो, आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो ये अभी भी डिस्प्ले है, फिर से रिस्टार्ट करूँगा तो ये चला जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।